बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार कैबेज रोल्स बनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चले आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्याली चिकन का कीमा लिया है, ये तकरीबन 200 ग्राम है। उसके बाद मैंने एक अदद बंद गोभी का फूल लिया है, जो कि बड़े साइज़ का लेना है, क्योंकि हम इसके लीव्स अलग करेंगे, तो बड़े साइज़ का होगा तो लीव्स भी बड़े होंगे। उसके बाद ये मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं, जिन्हें हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक छोटे प्याज को चॉप कर लिया है। ये मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, जिसको बारीक स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद आधा खाने का चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे। अब स्पाइसेस देख लेते हैं। तो नमक हसबे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, चौथाई चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे टोटल इन्ग्रीडियंट्स थे। तो चले आएँ अब हम कैबेज रोल बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, तो मेरी ये रेसिपी लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बंद गोभी लेंगे और इसका नीचे वाला सख्त हिस्सा जो है वो रिमूव कर देंगे। वहाँ से हम रिमूव करेंगे ताकि पत्ते आसानी से उतर जाएँ। तो ये रिमूव हो गया है। अब आप देखें कि इसके जो पत्ते हैं वो ईज़िली उतर सकते हैं, तो नीचे की तरफ से ही हम पत्ते उतारना शुरू करेंगे और वन बाय वन इसके लीव्स उतार लेंगे। मुझे 8 से 10 अदद लीव्स चाहिए, तो ये मैं बाहर वाले 10 अदद लीव्स उतार लूँगी। जी फ्रेंड्स, ये देखें मैंने लीव्स उतार लिए हैं, तो ये आप देख रहे होंगे कि इनका साइज़ भी डिफरेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे लीव्स का साइज़ छोटा होता जाएगा। तो अब हम इन्हें बॉयल कर लेते हैं। एक डिक्ची में मैंने पानी बॉयल कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूँगी और अब वन बाय वन इसमें हम लीव्स रखते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको इस तरह पानी में डिप करते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के लीव्स भी ऐड करते हैं। अब बाकी के भी मैं ऐड कर देती हूँ। व्यूअर्स, हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए बॉयल करेंगे, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो ये मैंने सारे लीव्स को पानी में डिप कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन दे देंगे और इसको 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। 3 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं लीव्स बॉयल हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बहुत एहतियात के साथ इनको निकालना है। बॉयल करने से ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम ईज़िली इसके रोल बना सकते हैं। अब मैंने इन्हें एक ट्रे में फैला दिया है, ताकि ये ठंडे हो जाएं और इनका पानी भी निकल जाए। तो ये मैं एक एक पत्ते को देखें अलग अलग ही रखा हुआ है। आप इनके साइज़ भी देख सकते हैं, डिफरेंट हैं। जितनी देर ये ठंडे हो रहे हैं, तो चले आएँ फिलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले चिकन में प्याज शामिल करेंगे, अब बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, अब सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और अब आधा खाने का चम्मच ऑयल। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, देखें मिक्सिंग हमारी हो गई है, फिलिंग रेडी है और पत्ते भी ठंडे हो चुके हैं। तो चले आए रोल्स बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक पत्ता लिया है, इसके अंदर ये जो हार्ड पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और रोल करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अब हम इसके सेंटर में फिलिंग रखेंगे इस तरह से, और पहले साइड से रोल करेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ रोल करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, और ये हमारा एक रोल रेडी है। इसी तरह हम बाकी के रोल्स भी रेडी कर लेंगे। एक और लीफ लेते हैं, इसका भी हार्ड पार्ट रिमूव करके सेम प्रोसेस से सारे रोल रेडी कर लेते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो हमारे रोल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ डिफरेंट हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ये लीफ के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो चले आएँ, अब हम इन सबको स्टीम कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टीमर को अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। तो ये ऑयलिंग हो गई है जी। तो एक देगची में मैंने देखें थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम इसमें स्टीमर रखेंगे और उसके ऊपर सारे रोल रख देंगे। इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो अब ढक्कन दे देते हैं। जितनी देर रोल स्टीम हो रहे हैं तो हम अंडे बीट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से अंडा थिक हो जाएगा तो रोल के ऊपर एक अच्छी थिक लेयर लगेगी। तो अब हम इन्हें बीट करते हैं। जी फ्रेंड्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके हैं रोल। चिकन भी इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अच्छे से पक चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें मैंने इनको बिल्कुल ड्राई कर लिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो चले आएँ, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें मैं 2 तरीक़ों से फ्राई करूँगी। पहला तरीका शैलो फ्राई है, जो कि डाइटिंग करने वाले लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है, वो भी बग़ैर किसी डर के खा सकते हैं। और दूसरा तरीका है डीप फ्राई। उसके लिए मैंने अंडा लिया है और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम शैलो फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, उसमें हम ये रोल रखते जाएंगे। ये मैंने 4 रोल रखे हैं, साथ साथ इनकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी रोल हैं। अब अगेन हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह हम बाकियों की भी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इक्वली हर तरफ से पकते जाएं। चिकन तो हमारा ऑलरेडी इसमें पक चुका है स्टीम में। तो अब बस हमने इनका कलर गोल्डन करना है ताकि लुक भी अच्छी सी आ जाए। अगेन साइड चेंज करेंगे। ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं, ये देखें ज़बरदस्त। इसी तरह से बाकी भी चेंज करेंगे, इसे भी पलट देते हैं। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। फ्रेंड्स, हमारे ये रोल रेडी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें टिश्यू पर रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब बारी है डीप फ्राई की। तो उसके लिए मैंने ये अंडा लिया है जिसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। तो सबसे पहले हम रोल को इस अंडे में डिप करेंगे अच्छे से चारों साइड से। अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से चारों साइड्स पे कोट कर लेंगे। तो ये हमारा रोल रेडी है। इसी तरह से बाकी सारे भी रेडी कर लेते हैं। रोल हमारे सारे कोट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो 1 by 1 इसमें डालते जाएंगे। बहुत एहतियात के साथ इन्हें डालिएगा जी। तो ये मैंने सारे रोल इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें साथ साथ हिलाते जाएंगे, क्योंकि चिकन तो हमारा ऑलरेडी कुक है, सिर्फ हमने इसको गोल्डन कलर देना है और क्रिस्पी करना है। तो साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि हर तरफ से इक्वली कलर आता जाए। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। देखें बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है। हमारे मज़ेदार क्रिस्पी कैबेज रोल रेडी हैं। तो अब हम इन्हें निकालते जाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। जी फ्रेंड, कैबेज रोल रेडी हैं, शैलो फ्राई भी और डीप फ्राई वाले भी, दोनों बहुत मज़ेदार हैं। और शैलो फ्राई तो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो डाइट कॉन्शियस हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।